उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बताएंगे बोर्ड मास, ठीक है, जिसमें आपका ये सभी बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। और ओ फॉर होता है ऑफ, जिसे हम का बोलते हैं, ठीक है। और डी फॉर होता है डिवीजन, जिस डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक है। और एम फॉर होता है मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन मतलब होता है गुणा, ठीक है। और ए फॉर होता है एडिशन, एडिशन माने होता है जो। और यस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, ठीक है। ये बोर्ड मास का पूरा फार्मूला है, इसे जानना और इसका नियम जानना जरूरी है। तो चलिए हम कुछ सवालों पर चलते हैं। देखिएगा, हमने पहला सवाल लिखा है 3 का 4 भागे 2, तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले ध्यान दीजिए। पहले आपको का ही किया जाता है, उसके बाद आपको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, उसके बाद आपका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, उसके बाद आपका जोड़ किया जाता है, उसके बाद आपको क्या किया जाता है, घटाना किया जाता है, लास्ट में आपको घटाना करना पड़ता है। लेकिन आपको कहा कि पहले अगर कोई चीज आए, कोष्टक पहले सॉल्व करते हैं, क्या कोष्टक पहले सॉल्व करते हैं, कोष्टक के अंदर जो आता है पहले सॉल्व करते हैं। कोष्टक आपको 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक और आपका छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक और आपका बड़ा कोष्टक, ये 4 कोष्टक होते हैं, 4 कोष्टक आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा पहले इसमें क्या करेंगे, 4 × 3 = 12, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब क्या करेंगे, का तो हो गया, अब बचा भाग, भाग कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 आएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये कर सकते हैं, 6 × 6 = 36 डिवाइड बाय 2, और 2 से भाग करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 16 = 18 आएगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा 3 × 2 = 4 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप गुणा नहीं कर सकते, पहले आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 30/2 × 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आएगा, 15 × 4 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए अगले क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे 30/5 = 2, ठीक है। तो मतलब आपको पहले भाग नहीं करना पड़ेगा, 30 में आपको 5 का भाग नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, का करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड कर सकते हो। तो देखिएगा 5 × 2 कितना होता है, 10, और 10 से डिवाइड करोगे 30 में तो आप जानते हो 3 आएगा, ठीक है। तो अगला चलते हैं, इसमें भी पहले आप भाग नहीं कर सकते, पहले आप क्या करेंगे, का करेंगे बोर्ड मास के अनुसार, ठीक है। तो 60/3 × 6, अब 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप कमेंट के द्वारा बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ऐसे सवाल आ जाते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें भी, देखिएगा सभी में आपका डिवाइड डिवाइड लगा है, तो आपको पहला अंक छोड़कर बाकी सभी बटे में लिख दीजिए और गुणते के तौर पर, ठीक है। कितना आएगा, 3/2 × 4 × 4 = 8। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप जानते हो कि 3/2 / 2/2, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, 1/2 मानना है सभी का पहले को छोड़कर, और हम जानते हैं भागे के साथ गुणते लगाते हैं, संख्या को उलट देते हैं, ठीक है, इतना तो हम जानते ही, 3 × 1 = 3 और 2 × 4 = 4 × 8, तो ये भी आपका वही आंसर आएगा, इसमें भी आपका वही आंसर आएगा। तो ऐसे आप इसे देखिएगा, ऐसे ये भी आएगा 2/2 आएगा, ठीक है। तो 3/2 × 2 × 4 × 4 = 8 होगा, 3/8 हो गया, वही हमने क्वेश्चन दोबारा ले लिया है। तो आप इसे कमेंट के द्वारा बताइए कितना आंसर आएगा।